वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यूट्रल मेकअप। जी हाँ, बहुत ही सिंपल मेकअप। बेसिकली इसका टॉपिक होगा अ सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चलो देखते हैं सिंपल मेकअप का मतलब क्या ही होता है। लेस प्रोडक्ट एंड लुकिंग सो ब्यूटिफुल। सो या मैं भी करके देखती हूँ आज। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर लाइक टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या चलो देख लेते हैं मैंने कैसा क्रिएट किया है वीडियो। सबसे पहले मैं अपने पूरे फेस पे यूज़ कर रही हूँ एक क्रीम जो है मामा अर्थ की इल्यूमिनेटिंग क्रीम। एंड इससे बहुत ही अच्छा एक शीन, एक ग्लो हमारे फेस पे प्रोवाइड होगी। जैसे कि हमें एक बहुत ही बढ़िया बेस मिलेगा। मैं इस वाले मेकअप में फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज उसे काफ़ी ज़्यादा यू नो केक जैसा लगता है, फील होता है मेकअप। बट या सो मैंने अप्लाई कर लिया है, यूज़ कर रही हूँ वो है कंसीलर, ये है मिस एक्ट कंसीलर। इसको बहुत थोड़ा थोड़ा अपने पूरे फेस पे हमें अप्लाई कर लेना है। दैट्स इट, हमें इतना ही अप्लाई करना है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लश अप्लाई करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेड हो एंड वो आपके चेहरे से अलग नहीं लगना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं लगना चाहिए आपने लेयर ऑफ मेकअप लगाया हुआ है। सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना यहाँ पर DIY ब्लश। इसकी वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं करी है एंड ये मैंने जल्द ही अपलोड करी है, मैंने आप लोग के लिए बनाया है। ये बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड ब्लश है, अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो। इट्स वेरी पिगमेंटेड सी एंड इट्स शिमरी ऑल्सो, तो एक अच्छी सी हमें शीन प्रोवाइड करेगा अपने पूरे फेस पे। इसको कुछ डॉट डॉट करके हमें 3 डॉट्स यहाँ पर लगा लेना है। करूंगी वो है मेरा DIY का हाइलाइटर जो कि बहुत ही अच्छी एक ग्लो देगा हमारे फेस पे, और ये न्यू किड हाइलाइटर है। मेरे चेहरे पे बहुत ही अच्छी सी एक शीन, एक ग्लो आ गया है। और अब हम आई शेडो के लिए कोई भी आई शेडो नहीं बल्कि मेरा DIY ब्लश ही लगाएंगे। सो इसको बहुत हल्का सा लेना है अपने आईलिड पर एंड जस्ट ब्लेंड विद योर फिंगर। सो इस वाले मेकअप लुक में हम ना ही तो कोई फॉल्सेस या लैशेस अप्लाई करेंगे बिकॉज ये एक नेचुरल लुक है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे आईब्रो पेंसिल। आईब्रो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहां जहां गैप्स है आप वहां वहां अपनी आईब्रो को फिल इन कर लीजिए। और इस स्पूली की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे एंड सेट कर लेंगे। ब्राउन शेड लेंगे जिससे हम पूरी अपनी लिप्स को आउटलाइन करेंगे। न्यूट कलर को अपने लिप्स पे लगाएंगे ताकि बहुत ही ज्यादा नेचुरल और फिनिशिंग लुक आए। आपको लिपस्टिक को बिल्कुल भी लेयर अप नहीं करना है, अगर आप लेयर अप करते हैं तो ये लिपस्टिक ख़राब लगने लगती है एंड ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। सो यह मेरा सिंपल सा लुक एंड आप देख सकते हो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए हैं, कॉम्पैक्ट या फिर फाउंडेशन या फिर एनीथिंग। सो मैंने बस 5 से 6 प्रोडक्ट से अपना पूरा मेकअप करके दिखा दिया। आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो या फिर जो लोग सिंपल रहना पसंद करते हैं तो वो इस टाइप का मेकअप कर सकते हैं एंड इट्स नॉट वेरी हैवी एंड वेरी लाइट। सो या और स्किन भी देखो हमारी कितनी ग्लो हो रही है।
एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है ये हाईलाइट जो है, एंड प्लस मैंने जो ब्लश बनाया है उसकी वीडियो मैं जल्द ही डालूंगी।